चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे मिथुन चक्रवर्ती और गोविंदा साहब की जोड़ी में बनने वाली सभी फिल्मों के बारे में। और दोस्तों, वहीं पर जानेंगे कि मिथुन चक्रवर्ती गोविंदा साहब ने मिलकर कितनी फिल्मों में काम किया था, ये जोड़ी हमें किन किन फिल्मों में नजर आई थी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन निकाला है वो मिथुन चक्रवर्ती और गोविंदा साहब की जोड़ी में बनने वाली सभी फिल्मों के बारे में बताने के लिए निकाला है। तो दोस्तों, मिथुन चक्रवर्ती और गोविंदा साहब ने मिलकर कुल चार फिल्मों में काम किया था, यानी कि ये जोड़ी हमें चार फिल्मों में नजर आई थी। तो कौन कौन सी फिल्में थी जिसमें मिथुन चक्रवर्ती और गोविंदा साहब एक साथ नजर आए थे, तो उन्हीं के बारे में आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो बस आप इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं, बात करते हैं कि सबसे पहले ये जोड़ी हमें किस फिल्म में नजर आई थी। फिल्म का नाम था जीते हैं शान से। ये फिल्म रिलीज हुई थी 12 जनवरी साल 1989 को। इसमें हमें नजर आए थे मिथुन चक्रवर्ती के साथ गोविंदा, संजय दत्त और इसमें मंदाकिनी अहम किरदार में थी। इस फिल्म का बजट 1,78,00,000 रुपए के बजट बनी थी। फिल्म इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 5,60,00,000 रुपए कमाए थे। वहीं पूरे वर्ल्ड से इस मूवी ने 7,50,00,000 रुपए की कमाई की थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक सुपर डुपर हिट करार दी गई थी। और ये मिथुन चक्रवर्ती और गोविंदा साहब के करियर की सबसे पहली फिल्म थी जिसमें मिथुन चक्रवर्ती और गोविंदा साहब एक साथ नजर आए थे और पहली फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी सुपर डुपर हिट करार दी गई। उसके बाद ये जोड़ी हमें फिर नजर आई थी साल 1994 में। फिल्म का नाम था रखवाले। ये फिल्म रिलीज हुई थी 1 जनवरी साल 1994 को। इसमें हमें नजर आए थे मिथुन चक्रवर्ती, गोविंदा और इसमें सलमान खान, सॉरी माफ करना, इसमें धर्मेंद्र साहब अहम किरदार में थे। अगर हम बात करें बजट की तो इस फिल्म का बजट 2,50,00,000 रुपए के बजट बनी थी। फिल्म इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 4,30,00,000 रुपए कमाए थे। वहीं पूरे वर्ल्ड से इस मूवी ने 5,50,00,000 रुपए की कमाई की थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक एवरेज करार दी गई थी। और ये मिथुन चक्रवर्ती गोविंदा के करियर की दूसरी फिल्म थी जिसमें मिथुन चक्रवर्ती और गोविंदा एक साथ नजर आए थे, लेकिन ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन के हिसाब से कुछ खास कमाल नहीं कर पाई थी और एक एवरेज करार दिए थी। उसके बाद ये तीसरी बार हमें जोड़ी नजर आई थी अपने दम पर। ये फिल्म रिलीज हुई थी 15 मार्च साल 1996 को। इसमें हमें नजर आए थे गोविंदा, मिथुन चक्रवर्ती अहम किरदार में थे। अगर हम बात करें बजट की तो इस फिल्म का बजट 1,50,00,000 रुपए के बजट मनी थी। फिल्म इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 2,30,00,000 रुपए कमाए थे। वहीं पूरे वर्ल्ड में इस मूवी ने 3,02,00,000 रुपए की कमाई की थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक एवरेज करार दी गई थी। और ये मिथुन चक्रवर्ती गोविंदा साहब के करियर की तीसरी फिल्म थी, लेकिन ये मूवी भी बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई थी और एक एवरेज करार दी गई थी। उसके बाद आखिरी बार और लास्ट बार ये जोड़ी हमें नजर आई थी लोहा में। ये फिल्म रिलीज हुई थी 17 अक्टूबर साल 1997 को। इसमें हमें नजर आए थे गोविंदा, मिथुन चक्रवर्ती के साथ धर्मेंद्र भी अहम किरदार में थे। अगर हम बात करें लोहा मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो इस फिल्म का बजट 2,20,00,000 रुपए था। इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 2,30,00,000 रुपए कमाए थे। वहीं पूरे वर्ल्ड में इस मूवी ने 4,02,00,000 रुपए की कमाई की थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक एवरेज करार दी गई थी। और ये मिथुन चक्रवर्ती और गोविंदा साहब के करियर की आखिरी फिल्म थी जिसके बाद हमें मिथुन चक्रवर्ती, धर्मेंद्र साहब, सॉरी माफ करना, मिथुन चक्रवर्ती और गोविंदा साहब किसी भी बड़ी फिल्म में हमें नजर नहीं आई हैं। तो दोस्तों, आपकी इन चार टॉप फिल्मों में से कौन सी मूवी ज़्यादा पसंद है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और दोस्तों, अगर आप भी मिथुन चक्रवर्ती, गोविंदा साहब को एक अच्छा और बेहतरीन अभिनेता मानते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, मिथुन
चक्रवर्ती और गोविंदा साहब की जोड़ी में अब तक की कुल 4 फिल्में बनी हैं जिनके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बजट हिट या फ्लॉप आपके सामने रख दिए हैं। तो दोस्तों इन 4 टॉप फिल्मों में से कौन सी मूवी आपकी ज़्यादा पसंद है अपनी राय कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें।